हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम ये फाउंडेशन रूटीन ट्राई करेंगे। ये बड़ी वायरल हो रही थी। इसमें करना आपने ये है कि आपने बस ऐसी की तैसी कर देनी है हर प्रोडक्ट की, भर भर के फाउंडेशन कॉन्टोर ब्लश आपने लगाना है, फुल आउट ऑफ कंट्रोल आप पे से बाहर होके हर चीज़ आपने अपने मुंह पे थोपनी है। मुंह पे मैंने अपने आगे इतना जुल्म करना था तो पहले मैंने सोचा इसको थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं, प्रेप कर लिया अपने फेस को, अदरवाइज स्किन का बेड़ा गर्क हो जाना था। पहले मैंने एंटाइस का प्राइमर लगाया, फिर मेबेलिन का यूज़ किया और लास्ट में फेशियल ऑयल यूज़ किया ऑर्गेनिक ट्रैवलर का। फाउंडेशन मेरी वैनिटी में जो सबसे सस्ती फाउंडेशन मुझे नज़र आ रही थी वो थी मिस्टोज की फाउंडेशन। अब ऐसा नहीं है ये अच्छी फाउंडेशन ही है, फाउंडेशन अच्छी है लेकिन थोड़ी सी ना मतलब सस्ती मिल जाती है, इस वजह से मैंने ये यूज़ किया है। और मैंने इसके निकाले हैं जी 10 पंप। इतनी फाउंडेशन बंदा महीने से यूज़ ना करे। हम ना एग्जैक्ट वही करेंगे जो कुछ उसने किया है। ब्रश की बैक साइड से उसने फाउंडेशन लगाई है, हम भी एग्जैक्ट कॉपी कैट बनेंगे और हम सेम उसी तरह से फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। जितनी फाउंडेशन 10 पंप मैंने निकाले थे और मैंने 10 पंप अप्लाई किए हैं फेस पे और नेक पे। और भाई इसको हमने ब्लेंड करना है हाथों के साथ, वो ब्लेंड करते जाओ। इसको ब्लेंड करने में भाई आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी ना ये हाथों के साथ ब्लेंड होती है, क्योंकि 10 पंप है भाई फाउंडेशन के। इतनी फाउंडेशन कहाँ हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होगी। और सेम उसने उसी तरह से किया था, उसने अपनी आंखों पे भी लगाई थी, आईब्रोज के अंदर भी फाउंडेशन को सेड़ी थी और मैंने भी सेम वही किया। यहाँ पे ना कसम से मुझे खुद को देख के इतनी हंसी आ रही थी, हाथ मेरे सारे गंदे हो गए थे, सारा ब्लेंडर मेरा फाउंडेशन से भर गया था। और भाई अगर ये फाउंडेशन हैक ट्राई कर रहे हो ना तो गंदे से कपड़े पहन के करना, अदरवाइज ना सारी शर्ट गंदी हो जाएगी। मेरी शर्ट भी गंदी हो गई थी, नीचे भी थोड़ी बहुत फाउंडेशन लग गई थी, सारी कानों के अंदर भी घुस गई थी, हर जगह बस फाउंडेशन ही फाउंडेशन नज़र आ रही थी। यहाँ पे आप मेरे हाथ देख सकते हो, हाथ तो चलो साफ हो जाएंगे लेकिन सारी फाउंडेशन ना नेल्स के अंदर भी चली गई थी और बहुत मुश्किल होता है निकालना जिनके लंबे नेल्स है ना। करना ही है तो ग्लव्स पहन के कर लो। उसके बाद मेकअप रेवोल्यूशन का ये क्रीम कॉन्ट्रोल यूज़ कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ सेम हमने कॉपी कैट बनना है, वो बहुत ढेर सारा कॉन्ट्रोल लगाती है। पहले मैंने एक दफ़ा लगाया फिर मुझे सुकून नहीं मिला, फिर मैंने दूसरी दफ़ा लगाया और अब फिर नहीं मुझे सुकून मिलना और मैंने 3 दफ़ा दोबारा अप्लाई किया और इसका आप खमियाजा देखिएगा, मुझे आगे भुगतना पड़ेगा। खैर हमने ढेर सारा जो इस तरह से क्रीम कॉन्टोर है ना और डार्क कलर का जो क्रीम कॉन्टोर है वो लगा देना है। मैंने बड़ी हुदरी होकर लगा तो लिया लेकिन जब ब्लेंड करने की बारी आई ना तो भाई ब्लेंड करते हुए एक तो हाथ मेरा पूरा थक गया था, कसम से मेरी बाजू ना एंड पे दुखना शुरू हो गई थी, मैंने इतनी ब्लेंडिंग की थी। यहाँ पे आप देखो बिल्कुल फेस मडी लग रहा था, इतना कॉन्टोर कौन करता है भाई। खैर जैसे तैसे करके मैंने ब्लेंडिंग ख़त्म की, ब्लेंडिंग मुकाई, ऐसे लग रहा था 100 साल से ब्लेंडिंग ही कर रही हूँ। और ये देखें ये पता नहीं क्या ही लग रहा था। अब बारी आती है जी कंसीलर की। कंसीलर के साथ भी हमने सेम मामला करना है और कंसीलर को डिप कर करके भर भर के हमने कंसीलर लगाना है। मैंने ना कंसीलर जान बूझ के 3rd स्टेप पे लगाया है ताकि मैंने सोचा कि कॉन्टोर अगर हमारा थोड़ा बहुत नहीं, यहाँ तो बिल्कुल ही कॉन्टोरिंग का बेड़ा गर्क हो गया था, ये कॉन्टोर का अगर बेड़ा गर्क हो भी जाए ना तो कंसीलर थोड़ा सा उसको छुपा लेता है तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। और वाकई में इसको करने के बाद ना थोड़ा सा बेहतर हो गया था। ये देखें ओटो का ब्लश यूज़ करूँगी, मिस्टोज़ का कंसीलर, मिस्टोज़ की फाउंडेशन, दोनों मिस्टोज़ की चीज़ें इसलिए यूज़ की थी क्योंकि भाई महंगी फाउंडेशन कंसीलर ज़ाया करने का ना मेरे पास हौसला नहीं है, मिस्टोज़ तो चलो बंदा ले भी लेता है। ब्लश को भी मैंने कितनी दफ़ा रीअप्लाई किया, ज़्यादा सारा ब्लश ऑन लगाया, नाक के अंदर खारिश हो रही थी, सारी फाउंडेशन कसम से नाक के अंदर भी चली गई थी, नाक के बाद भी वाइट हो गए थे, वो मैं दिखा नहीं सकती लेकिन हो गए थे, सही है। और ये देखो टिश्यू के ऊपर इतनी फाउंडेशन आ गई है, ये इतनी फाउंडेशन थी मेरी आईब्रोज़ के अंदर। उसके बाद मैंने भर भर के फुल जज्बात में पाउडर निकाला है और मैंने ज़्यादा सारा पाउडर लगाया। अब भाई आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई सही लग रहा है लेकिन नहीं, पास से मैं आप लोगों को एंड पे दिखाऊंगी कि फाइनल रिजल्ट क्या है इसका। दूर से बहुत अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल लाइटिंग में बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन नहीं 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 नहीं, गलत सोच है आपकी। अब क्रीम प्रोडक्ट से हमारा दिल नहीं भरा तो हमने इसके ऊपर पाउडर प्रोडक्ट्स भी लगानी है। सेम उसी तरह से मैंने पाउडर कॉन्टोर लगाया, मिस्टोज़ का, मेबेलिन का पाउडर ब्लश लगाया है और एंड पे मैंने यूज़ किया है जी ये सोफेक्स पैलेट मेकअप रेवोल्यूशन का। और हाईलाइटर भी मैंने, ये देखें कितना सारा हाईलाइटर लिया और ज़्यादा सारा भर के मैंने हाईलाइटर लगा दिया। और हाईलाइटर जब मैंने लगा दिया उसके बाद मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा हो गया है तो फिर मैंने ना इसको ज़रा हल्की आँच पर किया था पफ के साथ। यहाँ पे मैं थक गई थी, बिल्कुल थक गई थी। आईब्रो वोंट दिखाने की ना काम कोशिश कर रही हूँ, पहले मैंने इधर वाला एंगल किया फिर मैंने उधर वाला एंगल किया लेकिन मेरा कैमरा ना फोकस नहीं कर रहा था, फिर मैंने कहा छोड़ो अगले स्टेप पे चलते हैं, आईब्रोज़ को फिल कर लेंगे सिंपली। और आपने देखा होगा कि इसमें ना उसने पर्पल सी लुक की हुई है तो फिर मैं बता
बता रही हूँ, डिटो कॉपी करेंगे हम, कॉपी कहते हैं, सोच विचार करके मैंने ये जो पर्पल सा क्या कहते हैं इसको, दिमाग पागल हो गया। हाँ जी, तो हमने किया ये है कि हमने एक लाइट पर्पल कलर उठाया, उसको लिड पे अप्लाई किया है और फिर एक क्लीन ब्रश के साथ हमने उसको ब्लेंड कर दिया और ज़रा ना बाहर की तरफ को निकाल दिया है मॉडल टाइप लुक देने के लिए, जो मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं लग रही। खैर, उसी पैलेट में से मैंने ये ग्लिटर शेड उठाया और इसको सेंटर में अप्लाई कर दिया है। मिस्टोज का यहाँ पे हम आईलाइनर लगाएंगे। अब आईलाइनर भी ना मैंने कोशिश की है ज़रा बाहर की तरफ को काफ़ी सारा टुकूना सा आईलाइनर लगाऊं, ठीक है, ज़रा ड्रामेटिक सी लुक हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे फूंक मार रही हूँ मैं आईलैशेस को, मस्कारा लगाना मैं भूल गई थी और लगाते लगाते पहले कम बेड़ा गर्क था, मस्कारा भी सारा मेरे नाक पे लग गया। मस्कारा अगर इस तरह से लग जाए ना तो ये टिप है कि उसको सूखने दो और फिर उसके बाद इस तरह से ना स्पूली से उसको करोड़ करोड़ के साफ कर दो और वहाँ से अपनी स्किन उखाड़ दो। नहीं 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 नहीं, मजाक कर रही हूँ, स्किन नहीं उखड़ेगी, बस हल्की सी ना जलन होना शुरू हो जाएगी उस जगह पे, लेकिन आपका काम हो जाएगा, मस्कारा आपका साफ हो जाएगा। उसके बाद फ्लॉर्मर का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लिप्स को ना मैंने ज़रा रख के ओवरलाइन किया, ये देखें बड़े बड़े हमने अपने होंड्स कर लिए हैं। उसके बाद ये मेबेलिन की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये देखें फोकस नहीं कर रहा था फिर से, ठीक है। और अब इस लिपस्टिक को हम अप्लाई करेंगे, जहरी सी बात है लिपस्टिक, ये देखें लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। अब उसके बाद मेबेलिन का मैंने ये ग्लॉस लिया है, अब हम ग्लॉसी से लिप्स करेंगे और बस ख़त्म है मेरे ख्याल से, नहीं अभी रहती है एक मिनट। हाँ, यहाँ पे मैंने दिखाना था आप लोगों को कि बालों की मैं थोड़ी सी यहाँ पे ट्रांजिशन की थी और नेक्स्ट पार्ट मैं ऐड करना भूल गई, ट्रांजिशन करना ही भूल गई मैं। खैर, इस तरह से ना मैंने थोड़े से बाल बनाने की कोशिश की है, सेम उसी तरह से होंठ शोंठ साफ करके। ये आगे जी हमारी फाइनल लुक, आई होप यू गाइस लाइक इट। इस तरह से अच्छी लग रही है, लेकिन ये देखें ऐसे बड़ी अच्छी लग रही है प्रोफेशनल लाइटिंग में, लेकिन ये क्लोजअप शॉट देखें, ये एक्चुअल में ना ऐसी लग रही थी, इतना टेक्स्चर प्रोमिनेंट हो रहा था, हालांकि मेरी स्किन पे इतना टेक्स्चर नहीं है। तो भाई रियल लाइफ के लिए ओके है, लेकिन रियल लाइफ के लिए नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, वीडियो खत्म हुई है, टाटा बाय।